नमस्कार दोस्तों, देखा जाए सनी देओल की मूवी गदर 2 आज के दिन जिस हिसाब से इसका अर्ली एस्टिमेट निकल करके सामने आया है, उसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी आज के दिन 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है। और देखा जाए दोस्तों, ये बॉलीवुड की दूसरी मूवी बन चुकी है जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है नेट कलेक्शन के मामले में। और वहीं देखा जाए दोस्तों, इसी के साथ जो ड्रीम गर्ल 2 इसको बराबर झेल रही है एक तरीके से देखा जाए, और ये मूवी इसका डट का सामना कर रही है। और ये भी मूवी जिस हिसाब से आज का अर्ली एस्टिमेट निकल करके सामने आया है, ये भी मूवी नेट कलेक्शन के मामले में बहुत ही जल्दी 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। और वर्ल्ड वाइड के मामले में देखा जाए दोस्तों, आज के दिन ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर हम गदर 2 के कलेक्शन के बारे में आपसे बात करें तो इस मूवी ने अपने चौथे सैटरडे यानी कल के दिन 5,72,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है, और इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है 494 करोड़ रुपए। और वहीं ग्रॉस कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने 583 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। और वर्ल्ड वाइड के मामले में देखा जाए, इस मूवी ने 647 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। वहीं आज की बात करें तो आज का इसका जो अर्ली एस्टिमेट निकल करके सामने आ रहा है वो आ रहा है 7 करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आज संडे है, ये मूवी शायद 8 करोड़ का भी कलेक्शन कर ले, और ये मूवी इतना कलेक्शन कर लेती है तो आज के दिन इसका नेट कलेक्शन हो जाएगा 502 करोड़ रुपए। और देखा जाए दोस्तों, ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी तबाही है। और यकीन मानिए, सनी देओल ने जिस समय ये मूवी अपनी गदर 2 रिलीज करी होगी, उनको भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि ये मूवी नेट कलेक्शन के मामले में इतनी बड़ी तबाही मचाएगी। वहीं दोस्तों, अगर हम ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करें तो देखा जाए दोस्तों, इसने अपने सेकेंड सैटरडे यानी कल के दिन 6,50,00,000 का कलेक्शन किया है, और इसका टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है 78 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम दोस्तों इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड के मामले में इस मूवी ने 96 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। और वहीं दोस्तों, आज का जो इसका अर्ली एस्टिमेट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 7 करोड़ रुपए का। और अगर ये मूवी इतना कमा लेती है तो इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा 103 करोड़ रुपए। और देखा जाए दोस्तों, नेट कलेक्शन के भी मामले में ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है इन सब बातों को लेकर के कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।